दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 का एक मंथ यानी कि अप्रैल 2023 अब कंप्लीट हो चुका है। और अब इस अप्रैल 2023 में हमने जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग करी है, चाहे वो हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी हो, सेल वाउचर की एंट्री करी हो, क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी हमने वर्किंग करी है, उस वर्किंग के आधार पर अब हमें चेक करना है कि अप्रैल 2023 का कितना हमारा जीएसटी टैक्स बनता है, कितना टैक्स हमें ऑनलाइन गवर्नमेंट को जमा करवाना है या अभी भी हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एडवांस में जमा बचा हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट हम टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से देखेंगे। आप चाहे टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे आप इसके अलावा कोई भी और दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, रिपोर्ट देखने का जो तरीका है वो सभी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो हम किस तरीके से देखेंगे भी कितना पैसा हमें जीएसटी का टैक्स जमा कराना है, कितने हमें एसजीटी के रूप में जमा करवाना है और कितना हमें आईजीएसटी टैक्स के रूप में जमा करवाना होगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के साथ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने अभी इसी करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो अकाउंट जॉब की शुरुआत करी है, क्योंकि उनका एक मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो अप्रैल 2023 की जितने भी आपने जीएसटी से रिलेटेड वर्किंग करी है उसकी सारी रिपोर्टिंग अब आपको मई 2023 के अंदर करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, प्लस आपको जितना टैक्स आपका बनता है वो टैक्स भी आपको मई 2023 के अंदर अप्रैल माह का जमा करवाना होगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम आपके साथ जो भी बातें करेंगे वो सारी प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स की आपको कैलकुलेशन है जो किस तरीके से करनी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जीएसटी का जो लेजर है उसका इनपुट और आउटपुट हम इसको अलग अलग एंगल से देखना सीखेंगे। अगर किसी दौरान अगर वाउचर एंट्री करने के दौरान हमारे से मिस्टेक हो गई है तो अगर हम इसको अलग अलग व्यू से देखेंगे तो वो गलती हमारी पकड़ में आ सकती है। सबसे पहला तरीका, आपको सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का लेजर ओपन कर लेना है। जिससे कि मैं डिस्प्ले पर गया, अकाउंट्स बुक पर गया और लेजर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने सीजीएसटी का जो टैक्स है उसका लेजर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको पीरियड दे दिया 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो अब आप देख सकते हो पीरियड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 23 से लेके 30 अप्रैल 23 तक का। तो अगर हम इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1371.31 रुपये का है और क्रेडिट साइड का टोटल 411.82 रुपये का है। तो यानी कि ये जो डेबिट साइड का जो टोटल है ये हमारा इनपुट टैक्स है। अभी इनपुट टैक्स कौन सा हो गया, भी जो हमने परचेज करी थी और उस परचेज के रूप में हमने जितना टैक्स दिया था। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस इनवॉइस को ओपन किया, इस इनवॉइस के अंदर 367 रुपये दो टैक्स लगे हुए, एक सीजीएसटी टैक्स है और एक एसजीएसटी टैक्स है। तो अब हमने जो परचेज के ऊपर टैक्स दे चुके हैं वो हमारे लिए इनपुट टैक्स का पार्ट होता है। और आउटपुट की क्रेडिट साइड की बात करें तो जो हमने सेल पे या फिर परचेज रिटर्न पे जो हमारा आउटपुट बनता है वो हमारे लिए टैक्स बनता है, वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है, अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो हमारा इनपुट का बैलेंस 1371 रुपये है और आउटपुट 411.82 रुपये है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है सीजीएसटी टैक्स के रूप में वो 959.49 रुपये का है। यानी कि ये पैसा अब भी हमारा गवर्नमेंट के पास में एडवांस जमा बचा हुआ है। तो इसी तरीके से हम एसजीएसटी लेजर को भी हम ओपन करेंगे। एसजीएसटी लेजर को ओपन कर लिया, एसजीएसटी लेजर का भी सेम आपका सीजीएसटी के बिल्कुल बराबर बैलेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा भी आपका अगर आपने इसी करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान आकर आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है तो ये तरीका वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपकी कंपनी पहले से चल रही है तो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये है बिल्कुल शुरुआत, यानी कि आपने इसी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो टैक्स आपको किस तरीके से देखना है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूं। और इस तरीके से मैं एक लेजर हमारा आईजीएसटी का भी होता है। तो अगर हम आईजीएसटी टैक्स की बात करें
तो आईजीएसटी टैक्स के अंदर आप देख सकते हो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड में 182 रुपए और 32 पैसे का बैलेंस है। तो डेबिट यानी कि हमने आईजीएसटी यानी कि आउट ऑफ स्टेट से कोई भी परचेज नहीं करी, लेकिन आउट ऑफ स्टेट हमने गुड्स को सेल जरूर किया है। तो अब हम इसकी रिपोर्ट जीएसटी की रिपोर्ट में जाके 3B की रिपोर्ट को भी चेक करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, जीएसटी 3B को ओपन कर देंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ पर इसको पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 23 से लेके 30 अप्रैल 23 तक का, और Alt F1 के साथ डिटेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करते सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर आपकी जो करेक्शन है ये बिल्कुल जीरो रहनी चाहिए, यानी कि ये एरर आपके यहाँ पर कुछ भी ना हो, ये जीरो रहनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम टैक्स की बात करें तो सेम बैलेंस हमारा यहाँ पर भी आ रहा है 411 रुपए 82 पैसे का और 182 रुपए 39 पैसे का। यहाँ पर हम चलते इंटरप्रेस करते हैं आउटपुट के ऊपर, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, ये आपका बैलेंस है 411 रुपए 82 पैसे का। और अब इसके अगर लेजर की बात करते हैं, डिस्प्ले पर हम गए और अकाउंट्स बुक पर गए, लेजर पर गए, CGST का लेजर हमने ओपन किया, तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो 411 रुपए 82 पैसे ही है। ठीक है, और वापस हम चलते हैं 3B की रिपोर्ट पर। पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया 30/4 तक का, Alt F1 डिटेल ओपन कर ली, और उसके बाद में आउटपुट यानी कि हमारा 3B के अंदर भी लेजर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो एंट्री है सेल वाउचर की वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज आप याद रखते हो 4 नंबर पॉइंट एलिजिबल ITC का, तो यानी कि ये वो टैक्स है जो हमने परचेज के ऊपर दिया है, तो यानी कि 1371 रुपए और 1371 रुपए 31 पैसे का। तो अब बात आएगी हम इसका आउटपुट किस तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों अब आउटपुट तरीका करने के लिए हमने एक्सेल में एक शीट बनाई है। तो अब हमारा इनपुट का जो टैक्स है वो 1371 रुपए 31 पैसे का और 1371 रुपए 31 पैसे का। IGST हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, और आउटपुट की बात करें तो हमारा 411 रुपए 82 पैसे, 411 रुपए 82 पैसे और 182 रुपए 32 पैसे का। तो अब इनपुट का टैक्स यानी कि परचेज के ऊपर हमने टैक्स ऑलरेडी ज्यादा दे दिए, आउटपुट हमारा सेल के ऊपर टैक्स अभी भी कम बनता है। तो अब हम हमारा परचेज में से यानी कि परचेज का जो टैक्स है उसमें से जो सेल के ऊपर टैक्स बनता है उसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 959 रुपए 49 पैसे। तो यानी कि अब भी हमारा 959 रुपए 49 पैसे ये रुपया गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा पड़े, तो अब हमें पैसा GST के रूप में जमा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात आएगी IGST के अमाउंट की, तो IGST के अमाउंट माइनस के अंदर आ रही है, यानी कि ये कह रहे भी आपका केवल आउटपुट बनता है। ठीक है, इनपुट आपने परचेज कोई करी नहीं है, तो अब आपको 182 रुपए 32 पैसे टैक्स है जो लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर बन रही है। लेकिन अब ये IGST का जो पैसा है अब ये हमारा CGST के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब एडजस्ट किस तरीके से होगा, 182 रुपए 32 पैसे को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा जो नेट ITC है वो कितना बचेगा, 959 में से जो हमारी आउटपुट की लाइबिलिटी बन रही है IGST के रूप में उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, और SGST का बैलेंस हमारा AGTG रह जाएगा। तो अगर हम CGST की बात करें तो CGST का जो पैसा है वो 770 रुपए 17 पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट रह जाएगा और 959 रुपए 49 पैसे SGST के रूप में गवर्नमेंट के पास है जो पैसा अभी भी हमारा बचा हुआ है। तो अब हमें न तो CGST का टैक्स जमा करवाना, न SGST का टैक्स जमा कराना और ना ही कोई IGST का टैक्स जमा कराना। हमारा टैक्स कब बनेगा, जिस दिन हमारा आउटपुट टैक्स है वो इस इनपुट टैक्स से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन हमें जो डिफरेंस रहेगा वो पैसा हमें जमा करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा आउटपुट टैक्स बन गया 1400 रुपए का, तो 1400 रुपए की अगर हम बात करें तो कितना एक्सेस हो गया इनपुट से, 28 रुपए और 69 पैसा। तो अब ये पैसा यानी कि 28 रुपए 69 पैसे मेरे को गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा आउटपुट ज्यादा हो चुका है, इनपुट हमारा कम है। वापिस हम Ctrl Z करते हैं, तो यानी कि अब हम इस रिपोर्ट के आधार पर चेक कर लिया भी हमारा टैक्स बनता नहीं है। अब हम बात करेंगे अगर आपकी कंपनी पिछले साल भी थी वहां पर भी आपका GST का इनपुट आउटपुट का काम चलता था, तो अब हम देखना पड़ेगा भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस CGST का और SGST का कितना आ रहा है। जैसा कि अभी तो हमने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड के अंदर आ रहा है
तो ये ओपनिंग बैलेंस का डेबिट और इस करंट का जो टोटल है ये दोनों आपका एड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इनपुट के पार्ट है। ओपनिंग अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो उसमें से क्रेडिट आपका माइनस में हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाके देखना पड़ेगा कि आपका जीएसटी पोर्टल पे जाके जीएसटी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना रहे और जीएसटी का जो कैश बैलेंस है वो कितना रहे, तो उसी आधार पे आपको इस अप्रैल 2023 का जो टैक्स है उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो अदरवाइज आप पिछले लास्ट ईयर का जो डाटा ओपन करोगे तो उसके अंदर आप अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर जो ओपन करके देख सकते हो। अगर आपका क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है इस साइड का, तो वो तो आपने इस अप्रैल जब मार्च की जो GST R3B की रिटर्न हमने फाइल करी थी तो वो हमारा डिपॉजिट है जो हो चुका है, तो वो हिसाब आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो वो आपका हिसाब ये जैसा कि अभी हमने इसमें जो कैलकुलेशन करी थी वो कैलकुलेशन रह जाएगी। इनपुट था आपका, तो वो इनपुट प्लस इस मंथ का इनपुट ये दोनों एड हो जाएगा, उसमें से जो हमारा सेल का जो टैक्स है वो लेस होके नेट आपका ITC बच जाएगा। अगर डेबिट साइड के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब वो पैसा हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाना है। क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब जितना डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है वो पैसा हमें गवर्नमेंट को ऑनलाइन डिपॉजिट जो करवाना पड़ेगा। दोस्तों अब ऐसा नहीं है भी अब आपको 1 मई को ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा, ये आप जिस दिन GST R3B रिटर्न फाइल करोगे अगर आपका टैक्स बनता है तो TX3B रिटर्न फाइल करने से पहले आपको आपकी GST की जो लायबिलिटी है वो क्लियर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हमें टैली सॉफ्टवेयर को देख के या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देख के CGST टैक्स, SGST और IGST टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करनी होती है और कैसे हमें पता चलेगा टैक्स हमें जमा करवाना है या नहीं करवाना। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।